बटा मारू के बारे में मैं बताना चाहता हूँ ये। एंड फॉर दोज हु वांट टू ट्रैवल विद इन कश्मीर, वैसे आपने दिल्ली के बड़े बाजारों के नाम सुने होंगे, जैसे लाजपत नगर, सरोजनी नगर, खान मार्केट, कैनॉट प्लेस, ये मतलब लिस्ट गोज ऑन। जैसे ये सारे फेमस मार्केट्स हैं, वैसे ही हमारे कश्मीर में है बटा मालू। सुई से लेकर जहाज तक सब मिलेगा यहाँ। रुको जरा, सबर करो। सॉरी भाई, बटा मालू है दिल्ली का चोर बाजार नहीं है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की जो जर्नी है दैट्स अबाउट हमारा बटा मालू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल। आई होप कि आप ठीक होंगे, आफियत के साथ होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि आज का मौसम बहुत अच्छा है, दो दिन से कंटिन्यूसली धूप हो रही है और हम अभी जा रहे हैं कहीं पे, नज़दीक में ही एक मार्केट है तो हमें कुछ ख़रीदना है। तो विल बी गोइंग विद माई फैमिली, मी एंड माई डैड एंड माई मॉम। वैसे मैंने बहुत बड़ी लिस्ट बनाई है क्या क्या लाना है, मुझे बहुत चीज़ें लानी थी, अभी मुझे याद भी नहीं है और मैंने कोई लिस्ट बनाई नहीं थी, बट मेरे माइंड में एक लिस्ट थी बट अभी याद नहीं आ रहा, क्योंकि जब मार्केट जाते हैं ना उसी टाइम पे आप वो चीज़ें भूल जाते हो जो आपको इम्पॉर्टेंट होती है, जो आपको लानी होती है। तो अभी मेरी मदर मुझे बुला रही है, मैं चल रहा हूँ, तो आप भी चले, आपको दिखाऊँगा मैं क्या क्या है वहाँ पर। भागना मत, मैं कह रहा हूँ भागना नहीं है, भाग मत ओए। ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा मौसम है, यहाँ से ये बिल्ली जा रही थी, ये घूमती रहती है इसमें और कभी कभी पता नहीं क्या क्या कर देती है इसमें। इसी साल हमने इसको मेंटेन किया था। तो अभी हम जा रहे हैं बटा मालू के साइड में, देखते हैं वहाँ पे हमें क्या मिलता है। अभी हम कमरवारी चौक में हैं और पापा कुछ लेने गए हैं, वो लाएंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बटा मालू की तरफ। बटा मालू के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, ये पुरानी, बहुत ही पुरानी मार्केट है और इसमें क्या है, एक्चुअली मुझे पहले माइक ठीक करनी पड़ेगी। इसमें क्या है कि इस मार्केट की हिस्ट्री ये है कि बहुत पुरानी मार्केट है और ये एक टाइम पे श्रीनगर का बहुत बड़ा बस स्टैंड हुआ करता था, अभी दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। साउथ कश्मीर वालों के लिए जो है पंथा चौक वाला बस स्टैंड आता है और नॉर्थ कश्मीर वालों के लिए ये बटा मालू जो है बस स्टैंड आता है। वहाँ पे बटा मालू में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, ट्रैफिक होता है और हर तरह के आपको मार्केट मतलब हर तरह की शॉप्स आपको मिल जाएंगी वहाँ पे, और क्लोथ्स की ज़्यादातर शॉप्स होती हैं क्योंकि लोग वहाँ पे होल सेल्स में ख़रीदते हैं। मेरे एक बहुत ही करीबी फ्रेंड है जिनकी वहाँ पे उनका अपना शोरूम है। एंड फॉर दोज हु वॉन्ट टू ट्रैवल विद इन कश्मीर, यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, यहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट हर जगह के लिए है और डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में भी आपको अगर ट्रैवल करना हो तो यू कैन गेट दीज कैब्स ऑल्सो, जो सोमो होते हैं, टवेरा होते हैं और ऐसे ऐसे जो गाड़ियाँ छोटी छोटी हैं जो आपको जल्दी पहुँचाती हैं। बट अगर आप बहुत टहलते हुए जाएंगे तो आपके लिए बेहतर है कि आप बस ले लें, तो आपको थोड़ा पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी आपकी। आपको नहीं लगता कि आज कुछ ज़्यादा ही धूप है, यहाँ से बिल्कुल चुभ रही है मुझे ये गर्मी तो, बट मज़ा भी है, मुझे गर्मी अच्छी ज़्यादा लगती है, सर्दी से ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे गर्मी, तो ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो भी शॉपिंग करनी थी हमने कर ली, सब्जी वगैरह ले ली और भी थोड़ा बहुत कुछ टोपियाँ वोपियाँ ऐसे ही कुछ चाहिए था तो वो भी ले लिया। तो ये जो मार्केट है बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक जैम रहता है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत मुश्किल होती है यहाँ पे
कुछ होना चाहिए, कोई तरीका जहाँ से जिससे ट्रैफिक जो है यहाँ का कम हो जाए। बटामालू पहुँचते ही मैं सबसे पहले कामरान के शोरूम पे गया, तो उसका भाई वहाँ पे था और उसके अबू थे वहाँ पे। उनका एक शोरूम है होलसेल और रिटेल भी शायद, मुझे पता नहीं है। वो वहाँ पे कपड़े लाइक किड्स वेयर एंड जो लेडीज़ वेयर होता है वो सब बेचते हैं, स्पेशली किड्स वेयर होता है वहाँ पे, तो वो सारे बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं वहाँ पे, तो इसलिए मैं वहाँ पे गया और उन्होंने मुझे बिरयानी वगैरह खिलाई और उसके बाद मैं वापस आ गया। और इसी तरह आज का ये जो टाइम था निकल गया, अभी हम वापस जा रहे हैं अपने घर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस व्लॉग को यहाँ पे ही ख़त्म करता हूँ मैं आज के दिन को। टाटा बाय बाय, और बाकी का जो काम है वो आपका है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, मैं एक ख़ास बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं रेगुलरली, और टू दोज ऑल्सो जो पहली बार वीडियो पे आए हैं, अगर आपने यहाँ तक देखी है तो लाइक ज़रूर करें, जिसकी वजह से यूट्यूब मेरी वीडियोज़ को ऑप्टिमाइज़ करेगा और बाकी सारी रिकमेंडेशंस में भी ये वीडियो जो मैं बनाता हूँ ये वीडियोस शो करेंगी। उससे हमारी ऑडियंस में और हमारी इस फैमिली में काफ़ी इजाफा होगा। दैट इज़ इट, यही मुझे बोलना था। तो ज़रूर लाइक करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। खुदा हाफिज़। और फ्रेंड्स, मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव हूँ, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, जहाँ मैं बहुत सारी स्टोरीज और पोस्ट अपलोड करता रहता हूँ। आई वुड लव टू सी यू ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। अगर आप मुझे फॉलो करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।